हजुर नमस्कार, सधैँ जसो आज पनि नयाँ वस्तु हजुरमा म प्रस्तुत गरेको छु र यो भिडियो आज हुनेछ हिन्दीमा। किन भन्दा धेरै साथीहरूले मलाई अनुरोध गरेको हुनाले यो भिडियो हिन्दीमा हुनेछ है। नमस्ते, हमेसा ऐसे ऐसे भिडियो आपके मास मैं लेके आता हूँ और आज इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं हिंदी में भी मेरे दोस्त लोग मेरे को रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं आज ये वीडियो एक नेपाली में बनाया है, आज एक हिंदी में भी मैं ये वीडियो आप लोग माझ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये वीडियो एकदम इम्पोर्टेंट है और आप लोग ये वीडियो देखने के बाद शेयर इतना शेयर करिए, कोई भी आप लोग का दोस्त लोग बसना नहीं मांगता है, समझे? मैं कहने का मतलब क्या है, आप लोग का हर दोस्त के पास ये वीडियो जाना मांगता है। ऐसा वीडियो इतना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो से फंसने वाला आदमी, किसी का इतना पैसा नुकसान होने वाला पैसा, वो बच सकता है, कोई फंसने से बच सकता है। तकलीफ में जाने से पहले ये वीडियो उस बात पहुँचना मांगता है। एक मानवता होने से आप शेयर करके दोस्तों तक पहुँचाने का, आपका दोस्त रूममेट या आप किधर भी हो, इंडिया हो, विदेश हो, किधर भी हो, आप बस अपने दोस्त लोग को भी बताने का ये वीडियो, ओके? और ये सब्सक्राइब भी करें। मैं नेपाली में ज़्यादा रहेगा वीडियो, लेकिन फिर भी आप हिंदी नेपाली में लैंग्वेज थोड़ा सा परिवर्तन ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समझते हैं, इसलिए मैं मेरा दोस्त लोग रिक्वेस्ट करने के बाद मैं ये वीडियो हिंदी में बनाया, इसलिए आप लोग को ये बहुत बहुत शेयर करने का, ओके? मैं इसमें बहुत इम्पोर्टेंट आप लोग को बात बताने जा रहा हूँ, टिप्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत लोग, ये जो लॉटरी होता है ना, लॉटरी आपको मालूम है, आप लोग इंडिया लोग भी बहुत लोग फंस चुका है इसके अंदर। आप लोग को हर प्रकार से, हर तरीके से आपको मैसेज आता है, ईमो, व्हाट्सएप, वाइबर, आपका फ़ोन कोई भी हो, और आपको इतना तक प्रूव कर देता है उसमें, आपका सिम का पीछे का नंबर क्या है आप देखिए, मैं आपको इधर से बताता हूँ, आपका लॉटरी मिला है, आपको ये नंबर पे लॉटरी पड़ा है, आप तो बहुत लकी है, कंग्रेचुलेसन है, बोल के आपको वो करता है और आपको वो पैसा भी देता है। शुरू में आपको रिचार्ज करो, आपके पास पैसा नहीं है तो ओके, रिचार्ज करो बोल के वो पैसा भी देता है आपको, वो रिचार्ज करने के लिए उधर से रिचार्ज कार्ड भी देता है, आपको भेज देता है। आप ओके, आपके पास होता है ना, कोई कोई बोलता है मेरे पास तो कोई कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी मैं कैसे ये लेने के लिए इतना पैसा, वो कितना पैसा मांगता है, वो है कि नहीं, वो बोलता है किसी दोस्त को मत बताना क्योंकि ये दोस्त आपको भाड़ेगा, आपको लेने को नहीं देगा, आपको बोलेगा बाद में ये ऐसा है बोल के, क्योंकि ऐसा तो वो लोग को भी मालूम है, वो भी, वो लोग भी टैलेंट है, क्योंकि ये ऐसा लग बोलता है हाँ ये तो झूठा है, ये नहीं है, सच नहीं है बोल के तुमको वो करेगा, दोस्त लोग को किसी को मत बताना ये, ठीक है, तुम बहुत लक्की आदमी है, तुमको ये बहुत अच्छा है, तुम, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमको किसी को नहीं बताने का है, तुमको परिवार में, घर में, किसी को, दोस्त को, किसी को भी मालूम नहीं होना मांगता है, ठीक है, तुम मेरे से बात कर रहा है अकेले में आने के बाद करने का, ओके, बोल के आप लोग को बता करता है बहुत वो, इसलिए आप लोग इसमें फंस जाएगा, बहुत इंडियन फंसा है, बहुत नेपाली फंसा है, बांग्लादेशी फंसा है, पाकिस्तान, ये सब बहुत फंस के, बहुत, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल देता है, वो लोग 20 लाख का आपका लॉटरी लगाए बोलेगा तो आप लोग का 10 लाख, 5 लाख, कम से कम कोई इतना वो ज्ञानी, वो मतलब टैलेंट, उसको डाउट लगा तो वो 2 लाख तक भी वो फेंकता है, बाद में उसको मालूम पड़ता है ये तो फेंक है। इसलिए आप लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ, कृपया किसी का आपको लॉटरी है बोल के फ़ोन, मैसेज, कॉल कुछ भी आता हो, सबसे पहले उसको बोलिए ये हमको नहीं मांगता है, आप यूज़ करो, ओके? र दूसरा, आप लोग लॉटरी डाला कि नहीं डाला वो चेक करो, आप लॉटरी डाला कोई मार्केट में, कोई शोरूम में, कोई खेल, कोई कोई भी हो, कुछ भी हो, आप उसमें लॉटरी डाला, लॉटरी के लिए पैसा आया, चिट्ठा काटा, काटा या नहीं वो आप देखो, हाँ काटा है, आपके पास प्रूफ है तो आप विश्वास करिए, नहीं तो करने का ज़रूरत नहीं है, उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि आप पुलिस को रिपोर्ट करेगा भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता, वो लोग के पास पहुंचने नहीं पाता है। देखा हूँ मैं हिंदी में भी बहुत लोग फंसता है, बाद में पुलिस को रिपोर्ट करता है, पुलिस भी क्या करेगा, और पुलिस फ़ोन करके बात करता है, बाद में पुलिस को उल्टा, पुलिस उल्टा उसमें क्या बोलेगा, पुलिस क्या कर सकता है, उसको प्रूफ ही नहीं मिला सकता है, इतना वो लोग इतना टैलेंट है, वो लोग का फेक कॉल, फेक दूसरे दूसरे के व्हाट्सएप, जैसे दूसरे दूसरे का
सीबी ये क्या बोलता है, राशन कार्ड दूसरे दूसरे का लाइसेंस कार्ड से उस सिम लोग निकालता है, वो लोग को कैसे पकड़ेगा, वो नेट का कौन सा माध्यम से वो लोग कैसे कैसे करके वो लोग को करता है। इसलिए आप लोग को कोई लॉटरी लगा है बोल के आप लोग को मैसेज आता है, तो सबसे पहले अपने दोस्त लोग को बताओ। अपने दोस्त लोग को बता के बताओ क्या है, ऐसा ऐसा मेरे को आया वो लोग के पास, सब लोग के पास, बाद में वो लोग आप भरा है डाला है तो उसके बाद आप प्रूफ करो, हाँ कंफर्म करके यूज़ ऐसा नहीं है तो आप लोग प्लीज़ 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 ये फंसने का काम मत करो, क्योंकि ये लॉटरी के लिए बोल के इतना आदमी लोग को ठग चुका है, इतना आदमी लोग को मुश्किल कर दिया है, इतना आदमी लोग को बहुत तकलीफ। आदमी लोग जब फंसता है तब उसको मालूम पड़ता है, उससे पहले वो किसी को नहीं बताता है। इसलिए ये वीडियो जो जो आप लोग देख रहे हैं और लोग को भी हेल्प करिए शेयर करके, ओके। इसलिए आप लोग को दोस्त लोग बोले लॉटरी बोल के कोई भी चीज़ आएगा, आप लोग चिट्ठा नहीं काटा चिट्ठा नहीं भरा वो चीज़ को नज़रअंदाज कीजिए, ठीक है। किसी का भी विश्वास नहीं करे, कोई भी फ़ोन करे आप विश्वास ना करें, आपका लॉटरी ऐसे कैसे पड़ सकता है, किसी का नहीं पड़ सकता है। इसलिए आप सतर्क रहिए, आप लोग को ऐसा फंसाने वाला आदमी बहुत होता है, वो लॉटरी निकला ये निकला बोल के, कभी भी ऐसा मामले में अपना दोस्त एकदम, कोई कोई दोस्त ऐसा भी होता है आपको खाल्टे खाड़ल में डालने वाला दोस्त भी होता है, ये चीज़ याद रखने का, क्योंकि दोस्त बोल के दोस्त नहीं होते, कोई दोस्त दोस्त तो होता है देखावटी दोस्त होता है, कोई दोस्त होता है आपका जान का समस्या में पड़ रहा है तो वो जान भी देता है, दोस्त बोल के सभी होते हैं, लेकिन कोई कोई दोस्त खराब दोस्त के बहाने में वो लॉटरी पढ़ने वाला से भी खराब दोस्त होता है, ऐसे में तो उसका पैसा ओके हाँ डालो डालो। इसलिए एक आप लोग आपका एक दोस्त नहीं 10 दोस्त को बताइए आपको ऐसा आता है तो, या तो नज़रअंदाज करिए, आपको बिलीव लगता है आपको हाँ कंफर्म है मेरा लॉटरी पड़ा है आपको लगता है तो 10 दोस्त लोग को आप बोलिए, उसके बाद वो लोग का क्या बोलता है क्या है आप उसके बाद भी नहीं आपको बिलीव लगता है आपको कंफर्म होता है तो हाँ मेरा लॉटरी, तो आप एक बार जाइए पुलिस में रिपोर्ट करिए, मेरा ये लॉटरी है ये मेरे को लगता है मेरा पैसा लॉटरी मिला है, मेरे को लॉटरी लगा है मेरा, उसके बाद आपको पुलिस क्या करेगी फेंक है या ओरिजिनल है वो लोग आपको को उधर से बताएगा। इसलिए कोई भी एक तो आपको लॉटरी ऐसी नहीं पड़ता है लकी लॉट नहीं डालेगा आपने चिटा नहीं पड़ते नहीं है, फिर भी आपका मन संतुष्टि के लिए लास्ट में नहीं होता है तो आप पुलिस को रिपोर्ट करिए, लेकिन पुलिस ये इतना आपको बता सकता है ये डुप्लीकेट है ओरिजिनल, बस इतना बता सकता है, क्योंकि कार्रवाई तो वो लोग को भी नहीं कर सकता है, वो लोग भी कोई कोई कौन से देश का लोग भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार मेरे को भी फोन आया था तुम्हारा इतना पड़ गया तुमको ये कंग्रेचुलेशन है तुम ये पाने के लिए तुम ऐसा ऐसा करो बोल के मेरे को बोला, मैं तुरंत ओके 2 मिनट बोला मैं वो नंबर ओके मैं टेलीकॉम में फ़ोन किया, फ़ोन करके मैं टेलीकॉम को बोला ऐसा ऐसा नंबर से मेरे को ऐसे ऐसे आ रहा है, तो वो बोला मेरे को टेलीकॉम का मेरे को क्या बोला वो नंबर को तुम छोड़ दो मतलब मत करो, वो फ़ोन से फ़ोन आएगा तुम उठाओ मत मतलब ही मत करो, तुम्हारा ये वो आदमी फेंक है, वो चेक किया ये इससे फ़ोन आया बोला, बाद में उसके बाद वो टेलीकॉम में फ़ोन करने के बाद वो नंबर से मेरे को फ़ोन भी नहीं आया, समझे ना। टेलीकॉम में भी आप फोन कर सकते हैं, टेलीकॉम में आपको कोई सा भी कंपनी का सिम है क्योंकि वो लोग को मालूम होता है वो किसका नाम है क्या है यूज़ हो रहा है क्या है, आप लोगों नंबर टेलीकॉम में भी बात कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसा मेरे को कहीं आपको बिलीव दोस्त लोग भी नहीं है आपको दोस्त लोग खराब दोस्त लोग के समस्या पड़ने ऐसा लगता है तो आप अपना फोन में से डायल करिए टेलीकॉम में, आप लोग को पुलिस के पास जाने का भी टेंशन नहीं है किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप टेलीकॉम में फ़ोन करिए बोलिए ये नंबर से मेरे को ऐसा ऐसा मैसेज आ रहा है क्या है आप बता सकेंगे, तो उधर से आपको उसका बारे में भी आपको जानकारी मिल सकता है क्योंकि वो फेक है क्या नहीं है उधर से भी आपको मिल सकता है। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, आप लोग का दोस्त लोग भी इसमें नहीं फंसना मांगता है, मैं इसलिए आप लोग बहुत से बहुत शेयर करिए सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नेपाली लैंग्वेज में रहेंगे, एक इधर का सिटी घूमने जाने का न्यू न्यू जगह का वीडियो अपलोड होते रहेगा, इसमें आप लोग का कमेंट के आधार में मैं ऐसा वीडियो बना मैं बनाऊंगा लेकिन नेपाली में ज़्यादा रहेगा, आप लोग सब्सक्राइब करिए और धीरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ओके नमस्ते जय नेपाल लास्ट में नेपाल।